चिकन जिंगर सैंडविच बनाने के लिए हमें चाहिए चिकन बोनलेस एक छाती, सैंडविच ब्रेड एक अदद, चीज़ पैकेट एक अदद, ब्रेड क्रम्स हसबे ज़रूरत, अंडे 6 अदद, मैदा हसबे ज़रूरत, कॉर्नफ्लोर हसबे ज़रूरत, नमक हसबे जायका, कुटी हुई काली मिर्च हसबे जायका, मायोनीज हसबे ज़रूरत, केचप हसबे ज़रूरत, कुटी हुई लाल मिर्च हसबे जायका और सिरका हसबे जायका। चिकन जिंगर सैंडविच बनाने के लिए बोनलेस चिकन को स्लाइस में काट लें, फिर एक बर्तन में अंडे फेंट लें, फिर इसमें कुटी हुई लाल मिर्च, नमक, मैदा, कॉर्नफ्लोर और सिरका शामिल कर लें, फिर इसको अच्छी तरह से फेंट लें, फिर इसमें चिकन डालकर 30 मिनट के लिए रख दें। इसके बाद एक बर्तन में मैदा, नमक और काली मिर्च मिक्स कर लें, फिर चिकन को पहले मैदे में डिप करें, उसके बाद क्राउंस में और अब फ्राई कर लें। एक बर्तन में मायोनीज और केचप का मिक्सर तैयार कर लें जो ब्रेड पर लगाने के काम आए। अब चीज़ और फ्राई चिकन को दोनों ब्रेड्स के दरमियान में रख कर काट लें। मज़ेदार चिकन जिंगर सैंडविच तैयार है। हम लेंगे चिकन को, चिकन की चेस्ट पीस ले लें और उसको स्लाइस में कटिंग कर लें, ठीक है, और ब्रीक कटिंग करनी है। ये देखिए स्लाइस कटिंग प्लीज कर लें। ये हमारे स्लाइस की चिकन स्लाइस की कटिंग हो गई है। अब हम एक बाउल लेंगे जिसमें हम इसका चिकन को मैरिनेशन का बैटर तैयार करेंगे। सबसे पहले अंडे डाल लें, उसमें हम डालेंगे नमक सिर्फ टेस्ट के लिए और चिली, और काली मिर्च। अब अंडों को अच्छी तरह फेंट लें। अब इसमें हम ऐड करेंगे मैदा, और कॉर्नफ्लोर, इसको अच्छी तरह फेंट लें, और उसमें हम ऐड करेंगे सिरका भी, ताकि सिरके का जो खटास है वो चिकन में आराम से चली जाए। तकरीबन हमारा रेडी है। इसको चिकन को हम इसमें ऐड कर लेते हैं, इसको अच्छी तरह मिक्स करके तकरीबन इसको 30 से 40 मिनट इसको आप डीप रहने दें इस टेस्ट में। अब हम लेंगे मैदा, मैदे के में एक बाउल लें, उसमें हम मैदा डालेंगे, उसमें हम डालेंगे नमक, और काली मिर्च, और इसमें हम डालेंगे पानी, और इसको हम मिक्स कर लेंगे। ये हमारी अब बैटर की, मैदे की ग्रेवी भी तैयार है। अब हम चिकन को करेंगे क्रम, ठीक है। इसको पहले हम चिकन को निकालेंगे, मैदे में डिप करेंगे, फिर हम क्रम करेंगे। पहले हम चिकन को लेके इसमें मैदे में मिक्स करेंगे, मैदे में मिक्स करके क्रम में, और क्रम में मिक्स करके इसको हम एक प्लेट में डाल देंगे। अब चिकन हमारा तकरीबन तैयार है। अब हम उसमें एक पैन लेते हैं, उसमें ऑयल डाल लेते हैं, इसको आग लगा लें
और तकरीबन ऑयल बॉइलिंग टेम्परेचर पे होना चाहिए। साथ एक पैन ले लें जिसमें हम ब्रेड को टोस्ट करेंगे और ब्राउन ब्रेड करनी है। पैन डालिए, इसमें हम हल्का सा ऑयल डालेंगे पैन में, और पैन को सारी तरफ घुमा लें। चिकन को हम, हमारा ऑयल तकरीबन गर्म है, अब हम इसको चिकन को उसमें ऐड करेंगे। और इसको नॉर्मल हीट की आंच पे फ्राई करना है ताकि अच्छी तरह अंदर से गल भी जाए चिकन और अच्छी तरह फ्राई भी हो जाए। ज़्यादा तेज़ आंच पे ऑयल को फ्राई, ऑयल में फ्राई नहीं करना। हमारा पैन ये भी तकरीबन गर्म है, अब इसमें हम इसको ब्रेड डालते हैं, ब्रेड को पैन कर लेते हैं। चिकन हमारा तकरीबन रेडी है, अब हम इसको निकाल लेते हैं। अब देखने में नाज़रीन पूरा गोल्डन ब्राउन है। चिकन हमारा तकरीबन अब रेडी है, हमारे ब्रेडें भी अब ये हमारी तकरीबन ब्राउन हो चुकी हैं। अब हम इसके चिकन का ब्रेडों पे लगाने का एक बैटर बनाएंगे। सबसे पहले इसमें हम मेयोनीज़ डालेंगे और मेयोनीज़ के अंदर हम डालेंगे केचप और उसमें हम ऐड करेंगे, इसको टॉस पीस कर लेते हैं, ड्रेसिंग वो तैयार है। अब हम मैं देखने से देख रहे हैं ब्राउन ब्रेड है पूरी, अब हम इसमें इसको देंगे मेयोनीज़ लगाएंगे ब्रेड पे। ये मैंने ब्रेडों को मेयोनीज़ लगा ली, अब हम इसमें लगाएंगे जिंगर चिकन। अब हम इसमें लगाएंगे चीज़ स्लाइस, चीज़ स्लाइस लगा के इसको हम लगाएंगे इसके ऊपर मेयोनीज़ ब्रेड लगा देंगे और ब्रेड को हम आप अब हम ब्रेड की जो साइडों वाली रोटी होती है उसको हम काटेंगे। इसके हम करेंगे 4 slices। हमारा चिकन जिंगर सैंडविचेस अब तैयार हैं, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़े की डिश है और बहुत आसान है। अब हम इजाज़त चाहते हैं आपसे, अल्लाह हाफिज़।